एक बार की बात है, गांव के दो मंझले लड़के एक लड़की का पीछा कर रहे थे। अरे कहाँ चली मेरी अनारकली, जरा सुन तो सही। वह लड़की घबरा जाती है और भागने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वे दोनों मंझले भी उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी सुमन भागते भागते एक पुरानी खाली पड़ी हवेली के अंदर घुस जाती है। तभी उस हवेली की चुड़ैल की नींद खुल जाती है और वो सुमन को भागते हुए देख लेती है। अरे लल्लन भाई, ये कंबक तो इस हवेली के अंदर घुस गई, अब क्या करें? चलो छोड़ो, वापस चलते हैं। अरे नहीं नहीं, एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर उसको पकड़कर यहीं बाहर लाता हूँ। अगर ये लड़की बाहर निकले तो तुम इसे पकड़ लेना। आज इस लड़की को हाथ से नहीं जाने देना भाई। ठीक है चीमा भाई, तुम अंदर जाओ, मैं यहीं पर खड़ा रहकर नजर रखता हूँ। फिर चीमा उस खाली पड़ी सुनसान हवेली के अंदर चला जाता है और सुमन की तलाश करने लगता है। अरे मेरी राम प्यारी, तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारा राजा आ गया, जल्दी बाहर आओ, मुझे और मत तड़पाओ। देखो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी सुमन चीमा की आवाज़ सुन लेती है और उसे देखकर वह छुप जाती है और छुप छुप के चीमा को देखने लगती है। तभी उस हवेली की चुड़ैल को चीमा की आहट सुनाई देती है। वह समझ जाती है ये आदमी उस लड़की का पीछा करते करते यहाँ आया है। अरे तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाए बिना नहीं जाऊँगा, जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी अचानक से सुमन चीमा के सामने आ जाती है। अरे अरे चीमा जी, मैं तो यहीं हूँ, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे वाह वाह, ये तो खुद ब खुद बाहर आ गई। अरे मेरी रानी, फिर तुमने मुझे इतना दौड़ाया क्यों? पहले ही मान जाती ना, बेवजह इतनी कसरत करवा दी। चलो कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। ये सारा मंजर सुमन छुपकर देख रही होती है। खुद की हमशक्ल को वह चीमा के साथ देखकर घबरा जाती है। हे भगवान, ये तो मैं ही हूँ, ये तो हूबहू मेरे जैसे दिख रही है, ये कौन है? कहीं ये वही हवेली की चुड़ैल तो नहीं? तभी सुमन पीछे के दरवाजे से हवेली से बाहर निकल जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी लल्लन की नज़र सुमन पर पड़ती है। हे लड़की वहीं रुक जा, आज तू बचकर कहीं नहीं जा सकती। फिर लल्लन भी सुमन का पीछा करने लगता है। तभी एक गांव वाला अपनी गाड़ी से वहां से गुजर रहा होता है। वो सुमन को देखकर रुक जाता है। अरे क्या हुआ, तुम इतनी रात गए यहां क्या कर रही हो? भैया कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कृपा करके मेरी मदद करो। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। अरे यार ये गांव वाला यहाँ कहाँ से आ गया, आज का शिकार तो हाथ से निकल गया। फिर लल्लन वापस हवेली की ओर चल देता है और कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाता है। वह जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे सुमन चीमा के साथ दिखाई देती है। अरे ये कैसे हो सकता है, ये लड़की तो उस गांव वाले के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर जा रही थी, फिर ये यहाँ कैसे आ गई? देखो लल्लन भाई, मैं तुम्हारी भाभी को लेकर आया हूँ। तभी चीमा की नज़र उस लड़की की पैरों की तरफ पड़ती है, उसके पैर उल्टे होते हैं। ये देखकर वह बहुत डर जाता है। क्या हुआ देवर जी, आप इतना परेशान क्यों हो गए? कुछ नहीं भाभी जी, बस ऐसे ही। चीमा जी चलिए ना, मुझे अपने घर लेके चलिए ना। हाँ हाँ, देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं। फिर वे तीनों गांव की तरफ चल देते हैं। लल्लन बार बार डरते डरते उसके पैरों की तरफ ही देखता रहता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है, उसे समझ नहीं आता इस लड़की की सच्चाई चीमा को कैसे बताए। फिर कुछ ही देर में चीमा का घर आ जाता है। लो देखो मेरी रानी, हम घर आ गए, चलो लल्लन भाई अब तुम्हारा काम खत्म,
अब तुम घर जाओ। चलो प्रियतम, घर के अंदर चलो ना। फिर इतना बोलकर चीमा उस चुड़ैल के साथ घर के अंदर चला जाता है। अरे मर गए रे, आज तो ये चीमा पक्का मरेगा। ये बेवकूफ जिसे सुमन समझ रहा है वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि वह एक चुड़ैल है। ये बात मैं इसे कैसे समझाऊं? फिर लल्लन बाहर से घर के अंदर ताका जाकी करना चालू कर देता है। उसे चीमा दिखाई देता है। अरे चीमा भाई, इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम जिस लड़की को सुमन समझ रहे हो वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। अरे चल भाग यहाँ से, मुझे पता है तुझे मुझसे जलन हो रही है। मुझे लड़की मिल गई और तू खाली हाथ रह गया, इसीलिए ये अनाप शनाप बातें कर रहा है। चल भाग यहाँ से। फिर इतना बोलकर चीमा अंदर चला जाता है। तभी वो गाड़ी वाला सुमन के साथ वहाँ से गुजर रहा होता है। सुमन को देखकर लल्लन खुश हो जाता है और उसकी तरफ दौड़ता हुआ जाता है। अरे भाई रुको रुको, सुमन तुम यहाँ हो तो फिर चीमा के साथ कौन है? भैया ये वही है जो मेरा पीछा कर रहा था, इसी की वजह से मैं जंगल में अपनी जान बचाकर भाग रही थी। क्यों बे, मजनू की औलाद लड़की को परेशान करता है? भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज के बाद कभी किसी लड़की को परेशान नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। इस वक्त मुझे अपने दोस्त की जान बचानी है, कृपया करके मेरी मदद करो। सुमन अगर तुम यहाँ हो तो चीमा के साथ वो हमशक्ल कौन है? वह कोई मेरी हमशक्ल नहीं है, वह हवेली की चुड़ैल है जिसने मेरा रूप धारण किया हुआ है। सुमन मेरी मदद करो, वह चुड़ैल चीमा के साथ घर में है। अगर समय रहते चीमा को उसकी असलियत पता नहीं चली तो वो उसे मार डालेगी। ठीक है, तुमने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, फिर भी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर लल्लन सुमन को साथ लेकर चीमा के घर के दरवाजे के बाहर पहुंच जाता है। वहां चीमा उस चुड़ैल के साथ बैठा होता है। अरे मेरी राम प्यारी, जरा मेरे पास तो आओ, अपने चांस चेहरे का दीदार तो करवाओ। चीमा भाई मेरी बात सुनो। अरे यार ये लल्लन भी ना, इसने तो परेशान करके रख दिया है। मेरी राम प्यारी तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अरे क्या हुआ कमबख्त, क्यों परेशान कर रहा है? अरे मूर्ख चीमा, तुझे मुझ पर यकीन नहीं था ना? ये देख, ये रही असली सुमन। सुमन को लल्लन के साथ देखकर चीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे यार, अरे मर गए रे, अगर ये यहाँ है तो फिर अंदर मेरे साथ कौन थी? भाई वो हवेली की चुड़ैल है जिसे तुम अपने साथ ले आए हो। अरे मर गया रे, अब मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। हाय रे अब। तभी वो गाड़ी वाला ये सब बातें सुन रहा होता है और उनके पास जाता है। अरे भाई, उस चुड़ैल से बचने की शक्ति हम इंसानों में नहीं है, तुम्हें सिर्फ बजरंग बली ही बचा सकते हैं। ये लो, ये मेरा लॉकेट ले लो और इसे अपने गले में डाल लो और सच्चे मन से अपने किए कुकर्मों की माफी मांग लो। बजरंग बली तुम्हें माफ कर देंगे और तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। फिर चीमा वो लॉकेट अपने गले में डाल देता है। अरे राजा जी कहाँ चले गए आप? मैं कब से यहाँ आपका इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आइए ना। लल्लन भाई सुना आपने, ये कंबख्त तो मुझे ही पुकार रही है। भाई तुम घबराओ मत, बजरंग बली पर विश्वास रखो। फिर चीमा डरते डरते वापस जाता है और जाकर चुड़ैल के सामने बैठ जाता है। फिर जैसे ही चुड़ैल उसकी तरफ देखती है और चीमा की गर्दन पकड़ने लगती है तो उसके सामने बजरंग बली का लॉकेट आ जाता है। उसे देखकर वह घबरा जाती है और देखते ही देखते चुड़ैल जलने लग जाती है। ये तूने सही नहीं किया, मैं तुमसे बदला लूंगी और जलकर राख हो जाती है।
बोलो महाबली हनुमान की जय। बोलो महाबली हनुमान की जय। अरे बच गया रे, मैं तो बच गया रे। फिर चीमा और लल्लन दोनों सुमन के पैर पकड़कर माफी मांगते हैं और कभी किसी लड़की को परेशान ना करने की कसम खाते हैं।